पार्ट्स ऑफ स्पीच से हटकर कुछ अलग चीज भी है जिसमें एक खास चीज जो आते हैं जो शब्दों के बारे में बयां करते हैं उसे कहते हैं डिटरमाइनर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत पढ़े तो नहीं जाते लेकिन इन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है। डिटरमाइनर एक्चुअली दो प्रकार के पढ़े जाते हैं, जनरल डिटरमाइनर एंड स्पेसिफिक डिटरमाइनर। लेकिन यहां पर हम चार प्रकार के डिटरमाइनर का चर्चा करेंगे। जनरल डिटरमाइनर के तहत ए एंड ऑल एनी अनदर बोथ ईच आइदर एनफ एवरी फ्यू लिटिल मेनी मोर मोस्ट मच नाइदर नो अदर एंड सेवरल सम। इन डिटरमाइनर्स को जब हम अध्ययन करते हैं तो ये जनरल डिटरमाइनर के तौर पर आते हैं। ये कभी एडजेक्टिव बन के आते हैं, कभी प्रोनाउन बन के आते हैं, लेकिन ये नाउन के पहले आकर उसे डिटरमाइन करते हैं और इसे जनरल डिटरमाइनर कहा जाता है। उनका यूजेज हम फिर बाद के नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। स्पेसिफिक डिटरमाइनर के तहत हम अध्ययन करते हैं द का और विशेष तौर पर दिस एंड दीज दोज। इनका भी अध्ययन हम स्पेसिफिक डिटरमाइनर के तहत करते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जितने भी पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, माय आवर योर हिज हर इट्स देयर, ये सब भी स्पेसिफिक डिटरमाइनर की तरह यूज किए जाते हैं। लेकिन इन डिटरमाइनर्स के पहले भी कुछ डिटरमाइनर्स का यूज होता है जो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है लेकिन वो एडजेक्टिव होते नहीं है। ये प्री डिटरमाइनर्स कहलाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डिटरमाइनर के बाद यूज किए जाते हैं जिन्हें हम पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में जानते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी हम इतना बता दें, ये डिटरमाइनर्स और इनका स्टडी खास तौर पर अगर किया जाए तो हम समझते हैं कि नाउन की यूटिलिटी, नाउन की यूजेस में हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। थैंक यू वेरी मच।